हेलो एवरीवन, योर नेक्स्ट वीडियो है इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहला हमारा इडियम है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड का मतलब होता है कस्सी। स्पेड का क्या मतलब है? कस्सी। तो स्पेड को स्पेड कहना यानी कस्सी को कस्सी कहना, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी कि स्पष्ट बात करने वाला, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, इसको बोलते हैं ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड, यानी कि वो स्पष्ट बात करता है। कम थ्रू फ्लाइंग कलर्स। कम थ्रू फ्लाइंग कलर्स का मतलब बहुत कामयाब हो जाना, टू बिकम हाईली सक्सेसफुल। नेक्स्ट है क्रॉस वंस टीज एंड डॉट्स। टीज एंड डॉट्स का मतलब है डॉट्स होती हैं पंचुएशन मार्क में, हम कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, इनको क्रॉस कर देना, यानी कि प्रिसाइज एग्जैक्ट बात करना, वेस्ट खाम खा की बातों को क्रॉस करके एग्जैक्ट बात करना, इसको बोलते हैं क्रॉस वंस टीज एंड डॉट्स। जैसे ये कोई नोट है, इसमें वेस्ट बात क्रॉस करी हुई है और ये मेन बात बता दी, तो अपनी जो बात होती है उसमें से खाम खा की चीज़ें निकाल देना और काम की बात करना, इसको बोलते हैं क्रॉस वंस टीज एंड डॉट्स। नेक्स्ट है च्यू द कड। कड क्या होता है? जो जानवर जुगाली करते हैं, चारा डालते हैं, उसको कड बोलते हैं। च्यू मतलब चरते रहना, तो च्यू द कड का यहाँ पे क्या मतलब है? किसी बात के ऊपर सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, इसको बोलते हैं। इस लड़का बहुत सोच रहा है, पोंडर ओवर समथिंग, बहुत गहराई से सोचते रहना, इसको बोलते हैं च्यू द कड। जैसे जानवर जुगाली करता रहता है, ऐसे के लोग सोचते रहते हैं, इसको बोलते हैं च्यू द कड। नेक्स्ट है क्राई वॉल्फ। वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। क्राई का मतलब चिल्लाना। आपने कहानी सुनी होगी, एक लड़के ने चिल्लाया भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गाँव वाले जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं होता, तो खाम चिल्लाते रहना हेल्प हेल्प, लेकिन वास्तव में उसको हेल्प की जरूरत ही नहीं है, इसको बोलते हैं क्राई वॉल्फ करना। तो इनको हम रिवाइज करते हैं। पहले कॉल अ स्पेड का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा बताना। नेक्स्ट है कम थ्रू फ्लाइंग कलर्स, यानी कि बहुत कामयाब हो जाना। क्रॉस वंस टीज एंड डॉट्स का मतलब होता है अपनी बात को एग्जैक्टली प्रिसाइजली बताना। च्यू द कड, बहुत ज़्यादा सोचना एक बात के ऊपर या सोचते रहना। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है मदद के लिए मांगते रहना जब मदद चाहिए ही नहीं है। तो हम और आगे इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। थैंक यू।